हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है। वो जानना ज़रूरी ये है कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, और सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। तो दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, एक घुलने वाला दूसरा घुलाने वाला। तो पहले तो इस घुलने और घुलाने वाले की चर्चा कर लें, उसके बाद ना सॉल्यूशन की चर्चा करें। तो बात करते हैं, पहले क्या है लिखा हुआ कि द सब्सटेंस विच इज dissolved, the substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको क्या नाम देते हैं, तो सॉल्यूट नाम देते हैं। एंड द लिक्विड, और वो लिक्विड जिसमें आपका सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व्ड हो जाएगा, उसको क्या नाम देंगे, ये था सॉल्यूट। तो दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट, एक घुलने वाला एक घुलाने वाला। याद रखिएगा कि सॉल्यूशन जो है आपका वो किस किस से मिलकर के बना है, तो सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट। इस चीज को ध्यान में रखना है कि द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में घुल करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, उसे क्या नाम देंगे, सॉल्यूट का नाम देंगे। और जो लिक्विड घुलाने वाला काम करेगा सॉल्यूट को, उसे क्या नाम देंगे, सॉल्वेंट का नाम देंगे। यानी कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। जैसे अगर आपके पास शुगर और वाटर है, तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में आपका वाटर और सॉल्यूट में आपका शुगर, ये ध्यान में रहेगा, याद होने वाली चीज है, याद रहना भी चाहिए। और एक चीज यहां जानना जरूरी है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड
डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट्स आर नोन एज डिस्पर्शल मीडियम। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, डिस्पर्शल या डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं इसको। क्या लिखा कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और सॉल्वेंट को जो नाम देते हैं वो क्या, डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि वो मीडियम जो किसी को अपने में घुला देता है, डिस्पर्स्ड करा देता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये डिस्पर्स्ड मीडियम और ये डिस्पर्स्ड सब्सटेंस और डिस्पर्सन मीडियम। तो इन दो चीजों को आपको याद रखना है। तीसरा क्या, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, तो क्या जवाब दोगे? याद नहीं रहेगा, तो देना तो पड़ेगा ना। इसलिए क्या है कि इसको याद रखेंगे और वीडियो को स्किप ना करें, बने रहें हमारे साथ में। इसके बाद भी है क्या कि द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर। द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसे बनाने के लिए सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज किया जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन का नाम देंगे। जैसे शुगर सॉल्यूशन जो है आपका, वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, तो सॉल्यूशन के बारे में। ये तो समझ में आया, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। इसके बाद एक और चीज समझ में आया कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। अब जो समझ में आने वाली बात है वो आते हैं मुद्दे की बात पर, वो है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या लिखा, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होगा। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठता होगा, अच्छा ठीक है, मैंने शुगर और साल्ट को मिला दिया तो क्या वो सॉल्यूशन होगा? आप ही सोच लो कि वो होमोजीनियस होगा। यदि होगा तो सॉल्यूशन का नाम देंगे, नहीं होगा तो सॉल्यूशन का नाम नहीं देंगे। वैसे कॉमन एग्जांपल की यदि बात कर लो आप, तो साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और वेनेगर, एलॉय, ये सब आपका जो है
होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, इसलिए आपका यह सॉल्यूशन भी हो सकता है। एक चीज यहां नोट करने वाली बात यह है कि ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। क्या लिख दिया ये मैंने कि ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि सही में जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ सॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। एकदम सही बात कहा है, एकदम सही बात लिखा हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके पास यदि ट्रू सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूबल सब्सटेंस वाला ही होगा। यदि वो सॉल्यूबल सब्सटेंस आपका, जैसे आप बात करते हो ना सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला माजा वगैरह जो आप पीते हो, तो वो सॉल्यूबल सब्सटेंस का होता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉल्यूशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब किसके बारे में चर्चा होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या है इसका पहला प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहला तो यही बात ना है कि यह क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसका, सोचने वाली बात है कि नहीं। अब इतना यदि आप पढ़ लिए हैं सॉल्यूशन के बारे में तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और दिमाग ये कहता है कि एक चीज आपको मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। इट इज लेस देन, कितना से कम, तो 1 नैनोमीटर। अब ये 1 नैनोमीटर का कहने का मतलब क्या, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब डायमीटर की बात क्यों किया है, क्योंकि आपका एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, इसीलिए डायमीटर की बात किया है। यहां जो मैंने लिखा है 1 नैनोमीटर, ये कितने के इक्वल होता है, तो 10^-9 मीटर के इक्वल होता है। तीसरा पार्ट क्या है इसका प्रॉपर्टी का, तो तीसरा पार्ट कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप से भी देखने जाएंगे ना तो जो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो फिर काहे देखने जाएंगे, नहीं देखेंगे उसको। अगला जो पार्ट है वो क्या कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है। लैब में जब आप जाएंगे अपने स्कूल के तो वहां बोलिएगा केमिस्ट्री के टीचर को कि सर ये फिल्टर पेपर क्या चीज होता है, ये एक टाइप का पेपर होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं ये देखने में पेपर के जैसा ही होता है और लगभग पेपर ही होता है। वो आपको राउंड शेप में मिलेगा, उसको आपको फोल्ड करना होता है चार बार और तब जा करके वो कॉनिकल फ्लास्क में डाल करके हम लोग इसका यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि किस तरह का वो होता है। वो वाइट कलर का होता है। अब चूंकि ये फिल्टर पेपर से पास कर जाता है सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन से तो ही पास होने वाला है नहीं, क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर से तो निकल लिया तो फिल्टरेशन तो इसका होगा नहीं, इसलिए ये भी काम आपका याद रखना है। अगला जो है वो क्या कहता है कि द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। ये स्टेबल कहने का मतलब क्या हुआ? तो स्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप सॉल्यूशन बना करके दो चार दस घंटा बीस घंटा छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना वो नीचे जाकर के जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो बीस घंटा के बाद भी जो है आपको वैसा ही कंसंट्रेशन होगा जैसा कि आपको 20 घंटा पहले दिख रहा था, ठीक ना? यानी कि ये बहुत ही बढ़िया स्टेबल होता है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि भाई तो पूरा कंसंट्रेशन हमेशा इसका इक्वल हो गया यदि सॉल्यूशन बन गया तो। नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप टॉर्च का लाइट उस पर मारोगे तो उसके पार्टिकल से टकरा करके लाइट डेविएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूट का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से दिखबे नहीं करता है, तो लाइट उसको कहां से डिस्टर्ब कर पाए? तो वो लाइट को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है तो लाइट सीधे निकल गया, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां तक आपका क्या मिला? तो ये आपको सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज मिल गए। अब जो बात करेंगे हम लोग वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में क्या, तो यहां पहला जो है वो क्या कहता है आपका, तो सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन अ
सॉलिड। अब ये क्या बात हुई भाई, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे कि शुगर में साल्ट को मिला देंगे, बनेगा सॉल्यूशन। तो आप कहोगे सर तो क्या ये होमोजीनियस होगा? सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल ही होमोजीनियस नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? नहीं होगा। तो फिर सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन क्या? LY। मैंने आपको बता रखा है LY के बारे में कि जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मेल्ट करके मिला दिए जाते हैं तो जो सॉलिड फॉर्म नया मिलता है वो क्या होता है? LY होता है। तो ये दो सॉलिड्स का आपस में मिक्सअप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सॉल्यूशन ही तो हुआ। और LY भी क्या होता है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि मेटल्स LY जो है आपका इसका एग्जाम्पल होगा। मेटल LYs आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स। मेटल का जो LY होता है वो आपको सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो ड्यूरालूमिन है या ब्रास या ब्रॉन्ज। इट इज बहुत सारे हैं, आप इतना कहीं बात रखो। अगला जो टाइप है सॉल्यूशन का वो क्या कहता है? हम लोगों ने सॉलिड इन अ सॉलिड देखा, अब क्या देखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये तो सब जगह देखने को मिलेगा, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये दोनों क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? तो शुगर और साल्ट क्या था? सॉलिड फॉर्म में मिला, किस में? वाटर में। क्या था? लिक्विड। तो दोनों का ये एग्जांपल होगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा जो आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है वो यही सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप लिख सकते हैं शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये आप ध्यान में रखेंगे। एक और है आपका आयोडीन इन अल्कोहल इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये आयोडीन और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम और आप टिंचर ऑफ आयोडीन का नाम देते हैं। आयोडीन और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा और इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। आगे जो बात है वो क्या कहता है?
तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। अब लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन यदि होगा तो उसका एग्जांपल क्या देंगे, तो उसका एग्जांपल आप दीजिएगा विनेगर। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। आपको मालूम होना चाहिए ये विनेगर कहाँ यूज होता है। विनेगर में आपको होता है एसिटिक एसिड, वो चाउमीन वगैरह जो बनता है, चाउमीन बर्गर वगैरह जो लोग खाते होंगे वो इस चीज के बारे में बढ़िया से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लिक्विड डाला जाता है, वो विनेगर ही होता है, इसमें आपको एसिटिक एसिड मौजूद होता है। अगला जो है वो क्या है आपका, तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब गैस का लिक्विड में पूछ दिया भाई तो क्या कहेंगे, सोचो दिमाग लगाओ। तो आप एक चीज दे सकते हो क्या, तो सोडा वाटर। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ये आपको गैस इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपने नाम सुना होगा, जब आप सोडा वाटर लेने जाते हो तो आप देखना ग्लास में आपको छोटे छोटे बबल्स नजर आते हैं। ये बबल्स किस चीज के होते हैं? ये बबल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। तो वो लिक्विड में गैस मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, तो ये सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो जब सॉल्यूशन हुआ तो इसको सोडा वाटर सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अगला जो है उसके बारे में बात करें तो कहता क्या है, अब देखो सॉलिड में सॉलिड का देखे, सॉलिड का लिक्विड में देखे, लिक्विड का लिक्विड में देखे, गैस का लिक्विड में देखे, तो अब जो है गैस का भी तो गैस में देखेंगे। अब ये सोचने वाली बात हुई कि नहीं हुई, गैस का गैस में कैसे सॉल्यूशन बनेगा भाई? तो बनेगा सबसे पहली बात कि अपना एयर भी जो है वो गैसों का सॉल्यूशन है कि नहीं है, है ना। तो एयर इज अ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। तो एयर भी क्या हुआ आपका, गैस का गैस में सॉल्यूशन हुआ। यहां तक की बात हो गई खत्म। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपको एयर में है क्या क्या, तो एयर में है आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी सारे गैसेज हैं। अगला जो है वो है सस्पेंशन।